डॉक्टर अब्दुल कलाम वेलफेयर फ्रंट ऑफ पंजाब दे राही जड़ा पिछले 20 दिन दे दौरान लगातार धरना लाया गया। मेरे ख्याल नाल जिहड़े इस हलके दे एमएलए ने कोई भी मिनिस्टर है एमपी है वोटा मंगन जिवें आम आदमी बन के आए सी घट्टो घट आम आदमी बन के ही आके उन्हां दी गल्लां सुन लैण। कम तां इन्हां ने की करना? मेरे ख्याल नाल 20 दिन तक कोई एमएलए या एमपी मिनिस्टर चो कोई बंदा भी नहीं आया। जिहड़ा आपां कहिंदे आ मंडल प्रधान ब्लाक प्रधान इन्हां ने बड़े बनाते है 20 दिनां दे अंदर अंदर। ये एक साल के अंदर इन्नी वड्डी पार्टी आम तो खास हो गई है कि ये छोटा छोटा बंदा भी इन्हां दा गल्लां सुनने लई नहीं आ रहा। कम तां इन्हां ने की करनी है? आने वाले ये नहीं सोचते कि जिहड़े भोले वाले पंजाब दे लोग जिन्होंने इन्हां नूं वोटां पा के वध चढ़ के इन्हां नूं 92 सीटां दवाईयां ने जां ठीक है ना इन्नी वड्डे पद्धर ते सरकार बनाई है 2024 च आने वालियां जिहड़े आम चुनावां ने जिहड़ी लोक सभा दे उत्थे थल्ले भी ला सकदी है। ये भुल रहे ने कि ये राजे महाराजे नहीं हैगे ने ये कुछ समां लई लोकां दे सेवां लई बने ने। बड़े भुल के आपां नूं मेरे ख्याल नाल ये अपने आप नूं राजा समझण लग पए ने। सेव गलती ना करन ये वही भोले वाले लोग ने जिन्होंने तुहानूं 2 साल पिछे बनाया सी ये साल मगरों तुहानूं थल्ले भी ला देणगे ते फिर तुसीं देखोगे फिर हत्थ जोड़न च आ जाओगे। ते मैं इस करके डॉक्टर अब्दुल कलाम वेलफेयर जिहड़ा फ्रंट ऑफ पंजाब दे मैंबर आ उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा जिहड़े वो इस गल पिछे लगे ने। मेरे ख्याल नाल जन औषधि दा सेंटर है ये पिछले 2 महीनों तो बंद है ये लोगों नूं पता भी नहीं होना ये चेक हुंदा की है क्योंकि जागरूकता की बहुत ही कमी है। सब नूं पता है कि 50% तो भी घट मार्जन से दवाइया मिलदिया ने जिहड़ियां आम जनता गरीब जनता दे बहुत ही काम आंदिया ने। ते मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा इस क्लब का भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज इन्होंने जन औषधि की गल की। मैं इतने जनता नूं दस्सदा